जैसे कि बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, बाय द वे लास्ट क्लास में 6.1 हमने सॉल्व की थी और मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो एक्सरसाइज है ये नॉर्मली मैं ही सॉल्व करवाऊंगा। जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह जो मैंने पहले रिकॉर्ड किए थे लास्ट ईयर डिटेल में वो मैं एडिट करके साथ लगा दिया करूंगा। तो 6.1 का तो टॉपिक यही था, फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में था, वो हमने सॉल्व भी कर ली एक्सरसाइज। जहां तक बात 6.2 से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये दो टॉपिक है जो कंबाइन हुआ मैं। पहला टॉपिक है काउंटिंग प्रिंसिपल और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि बुक में हेडिंग है परमोटेशन की, परमोटेशन की अपनी कोई औकात नहीं है, असल टॉपिक है काउंटिंग प्रिंसिपल। वो काउंटिंग प्रिंसिपल से ही आपके पास परमोटेशन कॉम्बिनेशन या बाकी चीजें आ रही हैं। तो काउंटिंग प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक 6.2 का काउंटिंग प्रिंसिपल है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में आप काउंटिंग प्रिंसिपल की डिटेल में थ्योरी पूरी समझोगे, काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अंदर एक दो टर्मिनोलॉजीज होती है उनको समझोगे, साथ हल्की फुल्की मैंने एग्जाम्पल देके सारे टॉपिक डिटेल में समझाए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इंशाल्लाह 6.2 के हम वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो काउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है, मतलब जो काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करके जो क्वेश्चंस 6.2 के होंगे वो हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम परमोटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे जो 6.2 में परमोटेशन से रिलेटेड होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह काउंटिंग प्रिंसिपल आप लोग समझो, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो मेन टॉपिक था फैक्टोरियल का उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी। फैक्टोरियल वो टॉपिक था जो कि चैप्टर में जो तीन मेन टॉपिक है परमोटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, उनको समझने के लिए फैक्टोरियल बड़ा जरूरी है तीनों चीजों में। ये प्रोबेबिलिटी के लिए आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन आनी चाहिए और परमोटेशन कॉम्बिनेशन के लिए आपको फैक्टोरियल आना चाहिए था, तो वो हमने डिटेल देख लिया था। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जो कि परमोटेशन और वो जो टॉपिक है वो सिमिलर है लेकिन उनमें हल्का फुल्का डिफरेंस है, वो जब मैं परमोटेशन आप लोगों को करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो किस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, इस टॉपिक को आप कहते हो काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल, देखो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहली बात आपके जहन में आती है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मकसद है इसका, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पढ़ा जा रहा है टॉपिक ये। तो ये बेसिकली काउंटिंग है, काउंटिंग आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो तो इसका मतलब ये नई चीज क्या है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल बचपन से आप लोग चीजों को काउंट करते हुए आ रहे हो तो ये फिर कोई नई काउंटिंग है क्योंकि ये तो हमें बचपन से आती है, तो जाहिर सी बात है कि नई काउंटिंग है। ये जो काउंटिंग है ना, ये आप कह लो कि नंबर ऑफ वेज की काउंटिंग है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी चीज कितने तरीके से हो सकती है, एक चीज को परफॉर्म करने के लिए कितने तरीके लग सकते हैं, तो अब ये काउंट कर रहे हो ना कितने तरीके लग सकते हैं, इसको इंग्लिश में आप अच्छे तरीके से क्या बोलते हो, नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म एनी थिंग। थिंग का भी अच्छा वर्ड क्या होगा, इवेंट, किसी भी इवेंट को परफॉर्म करने के तरीके, कितने तरीके से आप वो इवेंट परफॉर्म कर सकते हो, तो ये काउंट करने का मतलब यहां पे ये होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं उसके बाद काउंटिंग प्रिंसिपल पे हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है जो मैं कल में परमोटेशन काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाने वाला हर टीचर देता है वही देता हूं मैं। ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो आपके पास शर्ट्स की बात करूं तो आपके पास तीन शर्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद पैंट्स की बात करते हैं, जीन्स की पैंट आपके पास कितनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पैंट है। ठीक है, और तीसरा कॉम्बिनेशन हम अपनी आसानी के साथ रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोट पहनना चाह रहे हैं तो एक कोट रख लेते हैं, तो हमारे पास कितने कोट है, फॉर एग्जाम्पल दो कोट है हमारे पास। ठीक है, अब मैं अगर आप लोग से पूछूं कि यार ये मैंने आपको डाटा दे दिया है और मुझे बताओ मैं कितने आउटफिट बना सकता हूं, आउटफिट का मतलब कि कितने तरीके से मैं इन तीनों चीजों को इस्तेमाल कर सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में। अब ये मैंने आपसे क्या पूछा है, कितने आउटफिट है, ये काउंटिंग है, 1 2 3 बताओ मुझे कितने आउटफिट बन रहे हैं यहां पर। तो अब इसके लिए क्या यूज करोगे, प्रिंसिपल यूज करोगे। अब यहां पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट प्रिंसिपल, वो मैंने फिलहाल आप लोगों को बताया नहीं है, ये मैं बेसिक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि काउंटिंग का मतलब यहां पे क्या है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल बाद में बताऊंगा, बाय द वे इस्तेमाल वही हो रहा है लेकिन अभी मैं उसके बगैर बताता हूं। तो आउटफिट डिफरेंट होने चाहिए, सिमिलर आउटफिट ना होना, डिफरेंट आउटफिट की बात की जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल पहला आउटफिट क्या होगा कि कंसिडर कर लो भाई ये जो शर्ट है ना, ये एक रेड है, एक ब्लैक है और एक कौन सा, अच्छा व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह पैंट में बात करते हैं, नॉर्मली जीन्स ब्लू होती है या ब्लैक होती है लेकिन ब्लैक को हम कंसीडर नहीं कर सकते ना, ब्लू और ग्रे कर लेते हैं भाई, ना ब्लू ब्लैक दोनों का बी हो जाएगा। और कोट में आप कंसीडर कर लो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक है नेवी ब्लू कोट, मेरे वनीमे का कोट था, और एक कंसीडर कर लो कि ये ब्लैक है लेकिन ये सिमिलर हो जाएगा। एक काम करते हैं रंग थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, व्हाइट कोट कर लेते हैं, अजीब सा लगेगा लेकिन फिर भी कर लेते हैं।
व्हाइट पैंट और कोट को हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, कौन सा कलर करते हैं, येलो अच्छा नहीं लगेगा, ऑफ व्हाइट कर लेते हैं, ऑफ व्हाइट का ओ कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। हमने रैंडम को सिलेक्ट कर लिए। अब अगर आप आउटफिट बनाओगे तो आउटफिट क्या बनेगी, सबसे पहले आप यहां पे रेड शर्ट पहनो, रेड शर्ट के साथ आप व्हाइट पैंट पहनो और व्हाइट पैंट के साथ आप जो नेवी ब्लू कोट है ये पहनो, ये एक आउटफिट बन गया आपकी। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप कहते हो ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम से भी आप बना सकते हो। ट्री डायग्राम का मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने ये जो पहला कॉलम है कंसीडर कर लो कि सबसे पहली चीज शर्ट है, फिर पैंट है और फिर कोट है, इस तरीके से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रेड शर्ट पहनी है, अब रेड शर्ट के साथ आप कोई भी दो पैंट पहन सकते हो, या तो आप इसके साथ व्हाइट पैंट पहन सकते हो या इसके साथ आप ग्रे पैंट पहन सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेड शर्ट पहनी, पैंट आपने व्हाइट पहनी, अब कोट पहनने का ऑप्शन क्या है, कोट दो ऑप्शन है, या तो आप नेवी ब्लू कोट पहन लो या इसके साथ आप ऑफ व्हाइट पहन लो। तो अगर आप ऑब्जर्व करो अभी तक हमने दो चीजें और दो आउटफिट काउंट कर लिए, कौन से, रेड शर्ट व्हाइट पैंट नेवी ब्लू कोट, रेड शर्ट व्हाइट पैंट ऑफ व्हाइट कोट, ठीक है। तो दो आपके पास यहां पे आउटफिट बन गए। इसी तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर आपने रेड शर्ट पहनी और उसके साथ आपने ग्रीन पैंट पहनी है तो अगेन वही पॉसिबिलिटी है, आप नेवी ब्लू कोट भी पहन सकते हो और ऑफ व्हाइट भी पहन सकते हो। अब चार हो गए ये कि रेड शर्ट ग्रीन पैंट नेवी ब्लू, इसी तरह रेड ग्रीन ऑफ व्हाइट, दो पर दो चार आपके पास आउटफिट हो गए। इसी तरीके से आपके पास जो ब्लू जो ब्लैक आपके पास शर्ट है अगेन उसके भी इसी तरह चार ऑप्शन होंगे, चार इसके। इसी तरीके से जो आपकी व्हाइट शर्ट है उसके साथ भी अगेन यही आपने बनाना है, जो ये आपने इसके आगे लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट ब्लैक के लिए भी होगा व्हाइट के लिए भी होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे आपके पास 12 आउटफिट आ गए, डिफरेंट आउटफिट है कि आप इन चीजों की मदद से 12 आउटफिट बना सकते हो। तो ये जो मैंने काउंटिंग की है इसको आप इमेजिन भी कर लेना ताकि बात आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, कि आप इमेजिन करना कि बाकी आपने चीजें पहननी है, जिस तरह मैंने बनाया ना ये पूरा जो एक ब्रांच चल रही है ये एक आउटफिट है, फिर ये वाली करते करते ये दूसरी आउटफिट हो गए, फिर ये तीसरी आउटफिट है, फिर करते करते तीसरी आउटफिट ये RGO, इस तरीके से आप बनाओगे 12 आउटफिट आपके यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये जो काउंटिंग है ये यहाँ पे हम करेंगे कि कितने तरीके से आप कोई इवेंट परफॉर्म कर सकते हो, कितने आउटफिट आपके बनेंगे, डिफरेंट किस्म के सवाल यहाँ पे बनेंगे। तो आई गेस आप लोगों का मेन आइडिया क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो काउंटिंग है वो किस किस्म की काउंटिंग की बात की जा रही है, ठीक है। और बाय द वे इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला प्रोडक्ट प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, वो ये कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, शर्ट पहनने के कितने तरीके हैं 3, पैंट पहनने के 2, कोट पहनने के 2, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, 6 × 12, तो इतनी लंबी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल होता है जो थोड़ी देर बाद में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, या इनफैक्ट अभी बता देते ताकि डिस्कस कर लिया तो अभी हम बात कर लेते हैं। ये जो काउंटिंग प्रिंसिपल है इसके अंदर 2 प्रिंसिपल होते हैं या आप 3 भी कह सकते हो। पहला प्रिंसिपल हम प्रोडक्ट प्रिंसिपल ही कंसीडर करते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसका नाम इसका है, या इसका एक बहुत ही मशहूर जमाना नाम है, एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना इसके अंदर दोनों आते हैं, प्रोडक्ट रूल भी आता है सम रूल भी आता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोला जाता है ना तो इसका मतलब वो ये प्रोडक्ट रूल को ले रहे होते हैं, ठीक है। इवन अगर आप ये बुक में देखोगे तो ये बुक में पेज नंबर 216 पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट प्रिंसिपल और द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लेकिन नाम में खैर कुछ रखा हुआ नहीं है तो आप इसको दूसरा क्या कह देते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब सवाल ये है कि नाम तो हमें पता चल गया ये कहता क्या है और इस प्रिंसिपल की वजह से आप किस तरीके से नंबर ऑफ वेज मालूम करते हो, तो इसके स्टेटमेंट में आपको लिखवा देता हूं। कहता ये कि इफ देयर आर एम वेज टू परफॉर्म वन इवेंट, कहते हैं कि भाई जो पहला इवेंट है जैसे शर्ट पहनना एक इवेंट था, पैंट पहनना एक इवेंट था, इवेंट इसी तरह एक्सपेरिमेंट ट्रायल और एलिमेंट्री इवेंट सैंपल स्पेस आउटकम ये सब जो वर्ड्स मैं ले रहा हूं ना ये आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में मैं डिटेल में फर्क बता दूंगा। अभी जो आप वर्ड यूज करोगे ज्यादातर वो इवेंट का यूज कर रहे होगे, तो इवेंट आप कह रहे हो कि कोई भी चीज परफॉर्म कर रहे हो, आप कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे शर्ट पहनना एक इवेंट है, पैंट पहनना इवेंट है, कोट पहनना एक इवेंट है, ठीक है।
तो अगर एक इवेंट को परफॉर्म करने के एम वेज हैं, एम तरीके हैं, एम कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, एंड देयर आर एन वेज टू परफॉर्म सेकेंड इवेंट. अभी मैं सिर्फ दो इवेंट डिस्कस कर रहा हूं, वन इवेंट एंड सेकेंड इवेंट, मतलब दो इवेंट की बात की जा रही है. तीन इवेंट भी हो सकते हैं, जैसे पुरानी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया, ये चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, कोई शर्त नहीं है इसके अंदर, जितने आप कर लो. ठीक है, तो एम वेज है पहले इवेंट को परफॉर्म करने के, एन वेज है दूसरे इवेंट को परफॉर्म करने के लिए, पर शर्त इसमें क्या है कि इवेंट इंडिपेंडेंट हो. ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थोड़ा एंड पे बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो क्या मतलब है इसका, देख लेते हैं. ठीक है, तो अगर अलग अलग बात कर ली, एम तरीके एन तरीके, तो अगर आपको बोला जाए देन देयर आर एम मल्टीप्लाई एन वेज टू परफॉर्म बोथ इवेंट्स. अब जरा इसका मतलब देख लेते हैं कि मतलब यहां पे क्या बन रहा है. ठीक है, जैसे आपने देखा था आपके पास एक इवेंट था कि आप शर्ट पहन रहे थे, पैंट पहन रहे थे, कोट पहन रहे थे. अगर आपको बोला जाए कि तीनों इवेंट आपने एक साथ करने हैं, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि या शर्ट, ये उर्दू का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी से सीख लो. या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, और. जब भी और की बात की जाती है ना, तो आप ऐड कर रहे होते हो, और ये समझ लो जब भी बोथ की बात की जा रही होती है तो आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो. ये जैसे अभी बोथ की बात की, बोथ का मतलब सब इवेंट आपने एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, ये नहीं कि या तो शर्ट पहन लो, या पैंट पहन लो, या कोट पहन लो, नहीं, तीनों चीजें आपने एक साथ पहननी है, सब इवेंट एक साथ परफॉर्म करने हैं. तो आप क्या करोगे, जितने उनके इवेंट के अंदर आप ये समझ लो जितने एलिमेंट्स हैं, जितने आउटकम्स हैं उनके, उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना. फॉर एग्जाम्पल पिछले इवेंट में आपने देखा था तीन शर्टें थी, दो पैंट थी, दो कोट थी, तो 3 × 2 × 2 ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. इसका मतलब इन तीनों इवेंट को एक साथ परफॉर्म करने के 12 तरीके हैं. तो प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि बस जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं किसी भी इवेंट को परफॉर्म करने के, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, दैट्स इट. ठीक है, मैं आप लोगों को मजीद एग्जांपल देता हूं इसकी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं, ये बड़ा मशहूर एग्जांपल है, आप लोग अभी कोर्स में काफी इसको देखोगे एक्सरसाइज में, कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच डिजिट जो है इसको मैंने कंसीडर किया है, और मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे यहां पे तीन डिजिट वाला नंबर बताओ, कितने नंबर बन सकते हैं इन वाले नंबर से, 3 डिजिट नंबर. फॉर एग्जांपल 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 5, 4, 3, भाई इन्हीं डिजिट से बना है ना. ठीक है, इसी तरीके से 1, 4, 5, अगेन इन्हीं डिजिट में से ये 3 डिजिट का नंबर बना है. ठीक है, ये नहीं हो सकता 1, 4, 6, नहीं, क्योंकि 6 जो है वो इस डिजिट के अंदर नहीं है. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो पांच डिजिट आप लोगों के सामने लिखे हैं इन्हीं में से आपने 3 डिजिट के नंबर बना लें, तो सवाल ये कि कितने ऐसे नंबर बनेंगे 3 डिजिट के जो इन डिजिट से बने हुए होंगे. ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने 5, 4, 3 लिखा है, 1, 4, 5 लिखा है, इस तरह आप पूरे आप काउंट करने लग जाओगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट बताओ हमें कि टोटल कितने आपके पास 3 डिजिट के नंबर बनेंगे फ्रॉम दीज डिजिट. तो उसको करने का तरीका क्या होगा, अब सबसे पहले ये तीन प्लेसेस हैं, अगर आप देखो 3 डिजिट का नंबर है ना, 1, 2, 3, तीन प्लेसेस हैं जिनको आपने फिल करना है. सही है, पहले ये जो प्लेस है इस पे आप कितने डिजिट फिल कर सकते हो, भाई देखो पहले पे 1 भी आ सकता है, पहले पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि आपने देखा है ना ये वाला भी 3 डिजिट नंबर है, ये वाला भी है. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 5, फॉर एग्जाम्पल 4, 1, 2, फॉर एग्जाम्पल 3, 1, 5. अगर आप इन सबको देखो, किसी के स्टार्ट में 1 आ रहा है, किसी के स्टार्ट में 5, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 3, तो स्टार्ट में कोई भी इनमें से 5 में से आ सकता है. तो इसका मतलब ये जो पहली प्लेस है, इसको इवेंट बोलोगे, इवेंट मतलब जो पहली प्लेस है, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं. यहाँ पे कोई भी 5 डिजिट आप यहां पे पुट कर सकते हो, 5ों में से कोई भी आप पुट कर लोगे. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक डिजिट यहां पे पुट कर लिया, कंसिडर कर लो आपने यहां पे 1 को पुट कर लिया पहली प्लेस पे, अब दूसरी प्लेस पे आप कितने डिजिट पुट कर सकते हो, भाई एक आपने कोई भी पुट किया होगा, मैं फॉर एग्जांपल 1 की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपने 2 पुट कर दिया हो या 3 पुट कर दिया हो, यहां पे कंसीडर कर लो कोई भी एक डिजिट आपने यहां पे पुट कर दिया. अब जब एक डिजिट आपने पुट कर दिया तो अब सेकेंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, 4 तरीके होंगे, क्योंकि रिमेनिंग कितने डिजिट है, 4 डिजिट है.
इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल दूसरी प्लेस पे आपने किसी एक और नंबर को पुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 5 को पुट कर दिया, तो आप तीसरी डिजिट पे पुट करने, तीसरी प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? तीन तरीके हैं। अब आपके पास तीन डिजिट बच गए। क्या आपको तीन डिजिट के नंबर बनाने हैं तो इसका मतलब ये तीनों एक साथ यूज करोगे ना? ये तो नहीं कि आप कोई भी एक यूज करो, नहीं, आपको तीन डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब ये जो तीनों इवेंट है ये एक साथ परफॉर्म होने हैं, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक साथ कंबाइन करके आपने लिखा है ना, एक साथ इनको परफॉर्म करना है आपने, तो आप क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नंबर ऑफ वेज पहले इवेंट को परफॉर्म करने के 5 है, दूसरे इवेंट को परफॉर्म करने के नंबर ऑफ वेज 4 है, तीसरे इवेंट को परफॉर्म करने के वेज 3 है, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 23 क्या होगा 60। इसका मतलब आप 63 डिजिट के नंबर बना सकते हो इन डिजिट्स। तो ये मैंने दो किस्म के डिफरेंट एग्जांपल दिए आपको, एक पहले शर्ट पैंट वाली दे दी थी, एक ये वाली दे दी है। मजीद एग्जांपल मैं देता रहूंगा, अभी मैं सम प्रिंसिपल बता दूं फिर मैं आपको मजीद एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, अब दूसरा प्रिंसिपल है जो हमने यहां पर कंसिडर करना है वो क्या है, उसको आप कहते हो सम प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट का जो वर्ड है इंशाल्लाह मैं आप लोगों का एंड पे बताऊंगा। सम प्रिंसिपल क्या होता है, देखो सम, अभी आपने इधर भी दो इवेंट की बात की थी और आप दोनों इवेंट को एक साथ परफॉर्म कर रहे थे तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल आप लगा रहे थे। अगर आप दो इवेंट को एक साथ परफॉर्म ना करो, मतलब या तो पहले वाले इवेंट को परफॉर्म कर लो या दूसरे वाले इवेंट को परफॉर्म कर लो, और दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते, इसमें शर्त है कि दोनों इवेंट क्या हो, एक साथ परफॉर्म ना हो सके। अब देखो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें दो इवेंट एक साथ परफॉर्म हो ही नहीं सकते, मैं भी आपको ऐसी एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि यार ये दो चीजें एक साथ परफॉर्म हो ही नहीं सकती, ठीक है? जैसे ये जो थी ये एक साथ परफॉर्म हो सकती थी ना, भाई शर्ट और पैंट एक साथ पहन सकते हो आप, मतलब ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो आप एक साथ परफॉर्म कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आगे भागना और पीछे भागना, फॉर एग्जाम्पल पहला इवेंट है रनिंग फॉरवर्ड, दूसरा इवेंट है रनिंग बैकवर्ड, क्या ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म कर सकते हो? नहीं, ठीक है? तो ये बहुत बेसिक से मैंने बात बताई है, इसको मैथमेटिकल अंदाज में ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे जाके। तो कहने का मतलब है कि दो इवेंट हो और उनको आप एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, या तो पहले इवेंट को परफॉर्म करो या दूसरे इवेंट को, और का वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कि या तो पहला इवेंट और या दूसरा इवेंट, तो ये फॉलो करता है सम प्रिंसिपल के अंदर। प्रोडक्ट में आप सब इवेंट को एक साथ परफॉर्म करते हो, जबकि अच्छा एक साथ परफॉर्म करने का मतलब नहीं कि एक साथ ही आपने कर लिया, इसका एक मतलब ये भी होता है कि भाई आपने पहला इवेंट परफॉर्म किया फिर आपने दूसरा इवेंट परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल आपने पहले पैंट पहनी फिर आपने शर्ट पहनी, किसने आपको कहा कि दोनों एक साथ आप पहन लो, ठीक है? तो पहले इवेंट के बाद दूसरा आपने करना है, जबकि सम प्रिंसिपल के अंदर या तो पहला इवेंट परफॉर्म करोगे या दूसरा करोगे, ऐसा नहीं होगा कि पहला इवेंट परफॉर्म किया फिर दूसरा किया, नहीं ऐसा नहीं हम कर रहे होंगे, ठीक है? वो मैं एग्जांपल दूंगा तो मजीद आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो जरा मैं इसकी डेफिनेशन करवा देता हूं, इसके डेफिनेशन के शुरू के दो लफ्ज सेम है यार, शुरू के दो जुमले, ये इफ से लेके इवेंट तक मैं इसी तरह लिख रहा हूं कि बिल्कुल सही यही काम करना है आपने, कि इफ देयर आर एम वेज टू परफॉर्म वन इवेंट, फिर दूसरा जुमला भी वही है, एंड देयर आर एन वेज टू परफॉर्म सेकेंड इवेंट, और इसके आगे मैं लिख रहा हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये क्या होता है यार, ये बहुत ही फैंसी वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब ये होता है ऐसे इवेंट जो एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते उसको आप कहते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जाम्पल जब मैं आपको दूंगा तो मामला आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ऐसे कौन से इवेंट है जिनको आप एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा तो भाई वही पहले इवेंट को परफॉर्म करने के अहम तरीके, दूसरे को परफॉर्म करने के अहम तरीके, और शर्त क्या है कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब दोनों एक साथ परफॉर्म अप नहीं कर सकते, देन देयर आर एम प्लस एन वेज टू परफॉर्म आइदर टास्क। अगर आपने दोनों टास्क में से कोई एक परफॉर्म करना है, या तो पहला वाला कर लो या दूसरा वाला, तो आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज हैं, नंबर ऑफ वेज को आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो सम प्रिंसिपल में आप ऐड करते हो, प्रोडक्ट प्रिंसिपल में आप मल्टीप्लाई करते हो। तो ये जरा लैंग्वेज याद रखना, अगर बोथ की बात की जा रही है तो आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है? और अगर
आइदर की बात की जा रही है कि या तो पहला करो या दूसरा करो, तो उसके लिए आप और का वर्ड यूज करते हो, और में आप एड करते हो, और बोथ जब दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म करते हो उसमें आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल क्या उसको डिस्कस करते हैं, मजीद बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कराची से हैदराबाद जाना है, आपके पास कराची से हैदराबाद जाने के कितने ऑप्शन हैं? आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है, तीन बसेज हैं आपके पास। पहला ऑप्शन बस, बस में कितनी है, तीन है। इसको इस तरह लिख देते हैं कि पहला ऑप्शन पहला इवेंट है कि बस में जा सकते हो आप। कितने इस बस में जाने के कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ वेज है? तीन वेज है। उस दिन तीन बसेज आपकी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल एक सुबह 9 बजे जा रही है, एक 12 बजे जा रही है, एक 3 बजे जा रही है। तो ये बस वाला इवेंट जो है इसको परफॉर्म करने के तीन तरीके हैं। एक और दूसरा इवेंट कंसीडर करते हैं, ट्रेन। कराची से हैदराबाद ट्रेन जाने के लिए आपको कितने तरीके हैं? फॉर एग्जाम्पल दो तरीके हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक सुबह 9 बजे ट्रेन जा रही है, एक सुबह 12 बजे जा रही है। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए कि कराची से हैदराबाद जाने के कितने तरीके हैं, तो आप क्या करोगे? इन दोनों इवेंट को आपस में ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों इवेंट को एक साथ परफॉर्म कर ही नहीं सकते। क्या ये पॉसिबल है कि आप कराची से हैदराबाद किसी बस में बैठे हुए हो और साथ साथ आप ट्रेन में भी बैठे हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ऐसे इवेंट जिनको आप एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। भाई या तो बस में बैठोगे आप और बस में कराची से हैदराबाद जाओगे, या आप ट्रेन में बैठोगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई आपके पास शक्तियां नहीं है कि आप बस में भी बैठे हो, आप ट्रेन में भी बैठे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अगर देख लिया कि इन दोनों इवेंट को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, या तो एक इवेंट को या दूसरे वाले इवेंट को, और वाला सीन बन गया। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, आप इनको आपस में ऐड कर दो, 5। 5 तरीकों से आप कराची से हैदराबाद जा सकते हो। फॉर एग्जांपल बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 2, दैट्स इट। 5 ऑप्शन है जिसके जरिए से आप कराची से हैदराबाद जा सकते हो। एक एग्जाम्पल ये मैंने डिस्कस किया, अब दूसरी एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, ये मैं वर्बली बता देता हूं यार, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्या कहते हैं, आप कोई कंप्यूटर खरीदने गए हो शॉप पे, ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है? भाई आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, कंप्यूटर खरीदने गए हो आप, आपके पास ऑप्शन क्या है? भाई आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है शॉप पे, डेस्कटॉप की पता नहीं के आता है कि आगे पीछे, देख लेना कहां के आ रहा है, मैं समझ के यहां पे आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 ऑप्शन है, डिपेंड करता है किस हिसाब से, प्रोसेसर के हिसाब से, रैम के हिसाब से 3 ऑप्शन है क्या है, या जनरेशन के हिसाब से है, कोर के हिसाब से, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल 3 डेस्कटॉप के ऑप्शन है। इसी तरीके से लैपटॉप के ऑप्शन कितने हैं आपके पास? फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन है लैपटॉप के। इस एग्जाम्पल को मजीद थोड़ा अमीर कर देते हैं, हम मैक बुक कर देते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल मैक के 5 ऑप्शन है, मतलब आपने कंप्यूटर लेना है शॉप पे, आप गए हो, 3 डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़े हुए, 4 लैपटॉप कंप्यूटर पड़े हुए, और 5 मैक कंप्यूटर पड़े हुए। आपने एक कंप्यूटर लेना है, मतलब आप इन तीनों इवेंट को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नेचर में खुद नहीं है, आप इनको एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप तीनों कंप्यूटर ले लो, तो ये एक सिचुएशन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन मैं जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना, उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन गए। क्यों? मैंने रिस्ट्रिक्शन ये लगाई कि मुझे एक ही कंप्यूटर लेना है, तो या तो मैं ये लूंगा, या उर्दू इंग्लिश में वर्ड किया और, कि या तो आप इसको बाय करोगे और इसको बाय करोगे और इसको बाय करोगे, तीनों में से एक आपने बाय करना है। मतलब इन तीनों इवेंट में तीनों को एक साथ परफॉर्म नहीं करना, किसी भी एक इवेंट को परफॉर्म करना है। तो अगेन सम प्रिंसिपल बन गया भाई कि 3 इवेंट थे, 3 इवेंट को एक साथ परफॉर्म नहीं करना, किसी भी एक को परफॉर्म करना है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, आप एड कर दो, 12 तरीके से आप चूज कर सकते हो। बिल्कुल सेंस बन रही है भाई, 3 डेस्कटॉप है, 4 लैपटॉप है, 5 मैक, इसमें से कोई एक चूज करना है, तो 12 ऑप्शन है, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इसकी एग्जांपल हो गई, सम प्रिंसिपल की एग्जांपल हो गई। अब यहां पे तीसरा प्रिंसिपल मैं आपको समझाऊंगा, और तीसरा प्रिंसिपल मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। बुक में है वैसे, एक स्टेटमेंट है इसकी, वो स्टेटमेंट मैं लिखवा दूंगा, डेफिनेशन मैंने लिखवा रहा, नाम बता दूंगा इसका, जो नाम है ना वो होता है सबट्रैक्शन रूल भी कहते हो, या इसका अच्छा नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, अच्छा नाम इसका ये है। क्या होता है जरा देख लेते हैं उसको, मैं अभी जो अगली एग्जांपल बना रहा हूं काफी यूनिक एग्जांपल है, अपनी मैंने खुद बनाई है, तो इससे जरा समझते हैं कि इसमें और इसमें फर्क क्या है, क्योंकि ये सम है ये सबट्रैक्शन है, क्या है इसके अंदर।
देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी में आप जब जाओगे पढ़ोगे यूनिवर्सिटी में, तो एक होता है फाइनल ईयर, फोर ईयर्स की एजुकेशन है फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में आपकी, तो जो चौथा साल होता है आखिरी साल जो होता है ना, उसमें आपको FYP मिलता है। FYP का मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाना पड़ता है, कोई टॉपिक उठाना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च अपनी सबमिट करवानी पड़ती है, और फिर आपको डिग्री मिलती है। अगर आपने नहीं किया तो डिग्री नहीं मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोफेसर नंबर ए है, PA का मतलब प्रोफेसर ए, दो प्रोफेसर। अच्छा होता क्या है कि टीचर्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जो पहला टीचर है उसके अंडर चार टॉपिक होंगे, तो अगर आप उनमें से कोई इंटरेस्ट का टॉपिक है तो आप उठा लो। इसी तरह कोई एक और दूसरा टीचर है, वो तीन चार टॉपिक्स को हैंडल कर रहा है, क्योंकि एक टीचर सब टॉपिक को हैंडल नहीं कर सकता ना, सुपरवाइजर चाहिए होता है। तो एक टीचर फॉर एग्जाम्पल तीन चार टॉपिक्स को हैंडल कर रहा है, दूसरा टीचर भी तीन चार टॉपिक को हैंडल कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, PA कर देता हूँ। PA का मतलब प्रोफेसर ए जो है, पहला प्रोफेसर जो है, उसके अंडर पांच टॉपिक्स है, पांच टॉपिक्स को वो हैंडल कर रहा है। इसी तरीके से प्रोफेसर बी है, जो फॉर एग्जाम्पल चार टॉपिक्स को हैंडल कर रहा है। आपने एक ही उठाना होता है, टॉपिक आपका एक ही होता है, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते भाई। या तो आप इस प्रोफेसर का कोई टॉपिक उठाओगे या आप इस प्रोफेसर का टॉपिक उठाओगे, दो टॉपिक नहीं उठाने, एक ही उठाना है। तो या तो आप इसको उठाओ या इसके, मतलब टीचर के ना, मतलब टॉपिक को उठाने की बात कर रहा हूं। तो या तो आप इसके टॉपिक कोई भी उठा लो जो आपको पसंद है, या आप इसका उठा लो। तो अगेन ये किसकी एग्जांपल है, सम प्रिंसिपल की। इन दोनों इवेंट को आप एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो टोटल कितने आपके पास ऑप्शंस होंगे, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, आप इनको ऐड कर दोगे। नौ नंबर ऑफ वेज है, मतलब सिंपल सी बात है, नौ टॉपिक्स है, नौ टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आप उठा सकते हो। तो ये तो सिंपल सम प्रिंसिपल हो गया। सवाल है कि ये क्या होता है, ये सम प्रिंसिपल का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये उस वक्त आप यूज करते हो जब आपके पास इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। क्या मतलब, कि उनके दरमियान कुछ कॉमन चीज हो। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई भी दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। कहने का मतलब इवेंट के जो आउटकम है वो सेम नहीं हो सकते ना। जैसे बस, तीन बसेस अलग है, दो ट्रेन अलग है, मैच तो नहीं कर रहे ना आपस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस एग्जाम्पल को कंसिडर करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल इसको मॉडिफाई करता हूं कि जो प्रोफेसर ए था उसके पास पांच टॉपिक थे, दूसरे के पास चार टॉपिक थे। इन दोनों के पास एक कॉमन टॉपिक है, पहले इनके टॉपिक डिफरेंट थे, कॉमन नहीं थे। अब मैंने एग्जाम्पल क्या दिए कि इनका एक टॉपिक कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं, मेरा जो टॉपिक था वो सोलर कुकर, एक डिवाइस होती है, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना मेरा टॉपिक था, उस पर मैंने रिसर्च की थी। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो टॉपिक है, ये प्रोफेसर ए भी हैंडल कर रहा है, ये प्रोफेसर बी भी हैंडल कर रहा है। तो अब अगर आप देखो, इनका एक आउटकम सेम है, इन दोनों के इवेंट को परफॉर्म करने का एक तरीका सेम है, कॉमन है एक तरीका। कहने का मतलब अगर मैं ये वाला टॉपिक उठा रहा हूं सोलर कुकर वाला, तो मैं इस वाले इवेंट को भी परफॉर्म कर रहा हूं, मैं इस वाले इवेंट को भी परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो एक आउटकम इनका सेम हो गया। तो अब क्या होगा भाई, पहले वाले केस में तो हमने देखा था सिंपल ऐड करते थे, लेकिन अगर कुछ आउटकम इनके आपस में कॉमन हो जाए तो आप ये वाला प्रिंसिपल यूज करते हो। और ये वाला प्रिंसिपल क्या कहता है, ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि आप पहले इन दोनों के आउटकम को ऐड करो आपस में, 5+4, ठीक है। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करो जितने कॉमन है इनके अंदर। यहां पे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें बताया कि एक टॉपिक इनका कॉमन है, तो आप 1- कर दो। ये इसकी रीजन क्या है भाई, इसकी रीजन ये है कि देखो, इसमें जो एक टॉपिक था सोलर कुकर वाला, उन 5 में वो वाला टॉपिक आता है और उन 4 में भी वो वाला टॉपिक आ रहा है, तो उस टॉपिक को आपने यहां पे भी काउंट किया, उस टॉपिक को आपने यहां पे भी काउंट किया, मतलब एक टॉपिक दोनों जगह आ रहा है, आपने दोनों दफा ऐड किया उसको। तो कंपनसेट करने के लिए एक दफा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये इस फॉर्मूले की रीजन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन उस वक्त लगता है जब आपने किसी भी एक इवेंट को परफॉर्म करना है, लेकिन वो इवेंट म्यूचुअली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज है। तो आप क्या करोगे, पहले उनको ऐड करोगे दोनों के आउटकम को, माइनस कर दोगे जो कॉमन है उनके दरमियान। एक आउटकम कॉमन है तो 1- कर दो, दो आउटकम कॉमन है तो 2- कर दो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक आखिरी चीज, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और वो ये कि इनकी सेट फॉर्म भी होती है। ये जो मैंने अभी बात की ना, अभी सेट की फॉर्म में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करो, ये बसेस हैं, तीन बसेस हैं, बस 1, बस 2, बस 3, तो ये बेसिकली सेट बना रही है ना। सेट आपने क्या पढ़ा था, कलेक्शन होती है, तो ये कलेक्शन ही है ना, बसेस की कलेक्शन, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, इनको आप सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सम प्रिंसिपल की मैं बात करता हूं, आपके पास दो इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल पहले इवेंट को आप ए बोल दो, सेट ए,
और दूसरा इवेंट जो है वो सेट बी है। ठीक है, मैं कहां पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं ए और बी। पहला इवेंट को आप ए बोल दो, दूसरे इवेंट को आप बी बोल दो। जैसे इस एग्जांपल में पहला इवेंट जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तीन, और दूसरे इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट है, बी, टू। ठीक है, अगर आपको बोला जाए इसमें आइदर किसी को भी परफॉर्म करो, या तो पहले को करो या दूसरे को करो, तो सेट की फॉर्म में इसको आप यूनियन से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि यूनियन में आपने देखा था। अच्छा, यहां पे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, इसका सेट की फॉर्म में नाम होता है डिसजॉइंट। मैंने आप लोगों को डिसजॉइंट का बताया हुआ था। डिसजॉइंट ऐसे सेट होते हैं जिनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं होता। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, शुरू में मैंने क्या बोला था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, सेट की लैंग्वेज में आप बोलोगे डिसजॉइंट, कुछ कॉमन ना हो इनके दरमियान। ठीक है, तो सम प्रिंसिपल आप लगा रहे हो। तो यूनियन से लिखने की वजह ये है कि यूनियन में आप क्या करते थे, आप पहले सेट के एलिमेंट लिखते थे, आप दूसरे सेट के एलिमेंट लिखते थे, बेसिकली आप ऐड करते थे ना। जैसे इसके अंदर तीन एलिमेंट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, तो यूनियन के अंदर कितने होते थे, पांच होते थे, अगर वो डिसजॉइंट है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई सेट की फॉर्म में यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ए यूनियन, ये जो मैंने मॉड लगाया है ना, यहां पे मॉड का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि ए के अंदर एलिमेंट प्लस बी के अंदर एलिमेंट। ये जो मैंने इवेंट करवाया ये उसको सेट की फॉर्म में लिखने का तरीका है कि इवेंट ए है, इवेंट बी है, आइदर परफॉर्म करने के लिए अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालें तो क्या करोगे, इवेंट ए जो है उसको परफॉर्म करने के तरीके प्लस इवेंट बी जो है उसको परफॉर्म करने के तरीके। ठीक है, और सेट में इसको आप किस तरह लिखते हो, यूनियन की फॉर्म में लिखते हो। आपको पता है मैंने सेट में ही बताया था कि ए यूनियन बी के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी में, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जितने ए के अंदर एलिमेंट है जितने बी के अंदर एलिमेंट है उनको आपस में ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है। तो सम प्रिंसिपल बेसिकली ए यूनियन बी है ना, तो वही कॉन्सेप्ट है कि दोनों जो सेट है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है, और ए यूनियन बी बेसिकली क्या है, सम प्रिंसिपल। तो सम प्रिंसिपल को लिखने का सेट की फॉर्म में यह तरीका होता है। अब अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये डिसजॉइंट था, मैं लिख देता हूं, जब डिसजॉइंट होते हैं तो आप इस तरीके से निकालते हो, और अगर डिसजॉइंट नहीं है तो फिर ए यूनियन बी आप किस तरह निकालते हो, इस तरीके से कि ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के ये मॉड लगाया है क्योंकि हम समझते हैं कि मॉड का मतलब है कि पॉजिटिव हो जाए, कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर कर रहा होता है। अगर ए यूनियन बी इस तरह मॉड लगाया हुआ है, इस मॉड का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। इसकी जगह आप ओ भी यूज कर सकते हो, मतलब इस तरह ओ ए यूनियन बी, और इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो। इन तीनों का मतलब यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करेगा, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट को, या आप डिटरमिन मॉड लगा दो, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी, अब अगर इवेंट आपके डिसजॉइंट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, तो आप क्या करोगे, ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, किस तरह निकालोगे, ए के अंदर जो एलिमेंट है प्लस बी के अंदर जो एलिमेंट है माइनस जो इनके दरमियान कॉमन है, और कॉमन को आप किस तरह लिखते हो, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन को लिखने का तरीका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपने FIP वाली एग्जांपल में किया था कि दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ आउटकम जो भी थे, नंबर ऑफ वेज कह लो आप, उनको ऐड किया था माइनस जो कॉमन था, तो कॉमन क्या था, एक था, मतलब उनका इंटरसेक्शन वन था, तो यहां पर आप वन से माइनस कर दोगे, तो इस वाले को आप कहोगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो सम प्रिंसिपल का हमने देख लिया कि सेट की फॉर्म में आप किस तरह लिखते हो, और इसको सब्ट्रैक्शन रूल भी कहते हैं, लेकिन अच्छा नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसका भी हमने देख लिया कि सेट की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। अब आ जाओ प्रोडक्ट प्रिंसिपल को, आप सेट की फॉर्म में किस तरह लिखते हो। तो प्रोडक्ट को आपको पता है, सेट के अंदर प्रोडक्ट को आप किस तरह लिखते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर आपको याद हो, सेट की मल्टीप्लीकेशन को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते थे। तो वही आप यहां पर यूज करोगे कि पहला इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है, और इसके अंदर अगर आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बी, सेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हम मैंने वहां भी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में मालूम करना हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर है, तो मैंने बताया था किस तरीके से मालूम करोगे, जितने सेट ए के अंदर एलिमेंट है मल्टीप्लाई जितने सेट बी के अंदर एलिमेंट है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है, और अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ो, मतलब इस वाले चैप्टर में, तो
तो इसमें ए के अंदर तीन एलिमेंट का मतलब कि एक इवेंट ए है जिसको तीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, मतलब किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर लोगे इस बात को। इसी तरह बी है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल चार एलिमेंट है, तो जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करोगे ना तो आपके पास कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 3 × 4 मतलब 12 आएंगे। और अगर आप देखो तो प्रोडक्ट रूल में आप ये काम कर रहे होते हो, तो प्रोडक्ट रूल को सेट की फॉर्म में आप इस तरीके से लिख रहे होते हो, ठीक है। और अगेन वही बात है, ये मैंने दो सेट की बात की है, ये जो सम प्रिंसिपल है ना, ये वाला तीन सेट के लिए तो इजी है, 3, 4, 5 सबके लिए इजी है कि फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये तीन के लिए मुश्किल है और उसके बाद तो और मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन आती नहीं है, तो मैंने दो के लिए आप लोगों को लिखवा दी। ये तो कितने भी हो बड़ा इजी है, सबको ऐड कर दो आपस में। इसी तरीके से यहां पे मैंने दो का जिक्र किया है, अगर यहां पे 3 हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए तो बड़ा इजी है, मल्टीप्लाई करना है बस आपने। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने शर्ट पैंट कोट वाली एग्जाम्पल दी थी, तो तीन सेट थे ना ए बी सी, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3, 2, 2 इनको मल्टीप्लाई कर दिया था आपने। तो जितने भी इवेंट है आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इसी तरह बहुत मशहूर एक जमाना एग्जाम्पल है जो मेरे जहन में आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली एक स्टार्टर होता है, स्टार्टर में आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक जूस है या कोई छोटे से पकौड़े दे दिए उन्होंने कुछ, या समोसे दे दिए कुछ भी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल स्टार्टर में आपके पास दो ऑप्शन है। इसी तरीके से जो मेन खाना है उसमें ज्यादातर हमारे पाकिस्तानियों में खाना क्या होता है, शादियों में बिरयानी हो गया, और मतलब बिरयानी हो गई, कोरमा हो गया, साथ आप रोस्ट कर लो, तीन ऑप्शन है। और फॉर एग्जाम्पल मीठे में आप सर्दियां हैं तो गजरेला कर लो, गर्मियां हैं तो मेरे ख्याल में कुल्फा कर लो या कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता। तो फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो जो स्टार्टर है उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, जो मेन कोर्स है उसके अंदर तीन खाने के ऑप्शन है, और जो डिजर्ट है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप कस्टर्ड कर लो, कस्टर्ड कर लेते हैं, खीर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो ऑप्शन है। अब इन इवेंट को जाहिर सी बात है एक साथ परफॉर्म करोगे, आप पहले स्टार्टर खाओगे फिर आप मेन कोर्स पे खाओगे फिर आप डिजर्ट लोगे, तो तीनों एक साथ करने हैं आपने। तो अगेन वही बात, जब तीन एक साथ करने हैं तो ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल है। आपको तो ये किसी ने नहीं कहा ना कि भाई या तो तुमने स्टार्टर लेना है, या तुमने मेन कोर्स लेना है, या तुमने डिजर्ट लेना है, ऐसी तो शादी में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ना, सब आप ले सकते हो। इसका मतलब इन सब इवेंट्स को एक साथ परफॉर्म करना है, तो टोटल कितने तरीके से आप खा सकते हो, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 तरीकों से आप खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टर में आपने समोसा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मेन कोर्स में आपने बिरयानी खा ली, और डिजर्ट में आपने खीर खा ली। अब दूसरी पॉसिबिलिटी बताता हूं, आप ट्री डायग्राम बनाना, जिससे मैंने पहले आप लोगों को बताई थी ट्री डायग्राम, आपको मुझे समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टर में आप समोसा ही रखना, मेन कोर्स में आप बिरयानी ही रखना, डिजर्ट चेंज कर देना, पहले आपने खीर उठाई थी अब आप कस्टर्ड उठा लो, ये दो ऑप्शन हो गए। इसी तरह आप बाकी जो 10 ऑप्शन है वो लिस्ट कर लेना, टोटल 12 ऑप्शन आपके यहाँ बन जाएंगे। तो मेन आइडिया मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक आखिरी चीज रह गई है, और वो ये रह गई है कि जो मैंने यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तो मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, FYP वाली एग्जाम्पल भी दे दी, क्लियर हो गया होगा। सवाल ये कि यहां पर मैंने इंडिपेंडेंट लिखा है, ये क्या मतलब है इसका? इसके मतलब को समझने के लिए मैं अभी आप लोगों को मजीद एग्जाम्पल देता हूं। अब यहां पे जो वर्ड है ना इंडिपेंडेंट, इसका जरा मतलब देखते हैं कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो एक साथ परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जरा ये इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, कहीं से मैंने पढ़ी थी तो मैं वहां से कोट कर रहा हूं। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप कार्स लेने जाते हो, ठीक है, तो कार्स में अगर बड़े बड़े ऑप्शन देखो ना, तो बॉडी के हिसाब से दो किस्म की कार आपको नजर आएंगी, और भी होंगी, मैं अभी जो मेरे जहन में वो मैं बता रहा हूं। कि फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास, यहां पे मैं बता देता हूं कि पहला ऑप्शन क्या है कि आप सेडान, सेडान क्या होती है, जिसकी डिग्गी निकली है पीछे से, सेडान आप उसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोला सिविक ये सब सेडान होती है। और दूसरी क्या होती है, हैचबैक, हैचबैक ही कहते हैं शायद, यही है, अगर तू तो मुझे बता देना, हैचबैक कहते हैं शायद उसको, स्पेलिंग यही है शायद। हैचबैक क्या होती है, जिसमें डिग्गी नहीं होती, स्विफ्ट हो गई, ऑल्टो, कल्टस, इस टाइप की जो होती है, ठीक है। तो बॉडी स्टाइल के हिसाब से दो ऑप्शन है, या तो आप सेडान ले लो या हैचबैक ले लो। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कलर्स, ये तो था ना बॉडी स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कलर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो भाई आप ब्लैक में गाड़ी ले सकते हो, आप रेड में ले सकते हो, आप व्हाइट में ले सकते हो, और फॉर एग्जाम्पल मरून में ले सकते हो आप, ये हम डिफरेंट ऑप्शन, चार कलर के ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर आप गियर के हिसाब से बात करो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप
ऑटोमेटिक ले लो या आप मैनुअल ले लो, ऑटोमेटिक शिफ्ट गियर का ले लो या मैनुअल शिफ्ट, दो किस्म के हैं। ये आपके पास तीन इवेंट्स हैं, जाहिर सी बात है तीनों इवेंट को एक साथ ही परफॉर्म करना है भाई, एक बॉडी है उसी के ऊपर रंग आपको चाहिए और उसी का आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है जो आपको ऑटोमेटिक चाहिए, रेड कलर में चाहिए और उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, सेडान होना चाहिए। जाहिर सी बात है तीनों इवेंट को एक साथ ही परफॉर्म करना है आपने, ये थोड़ी ना कि खाली गियर लेके बैठ जाओगे ऑटोमेटिक है, तो सब ऑप्शंस को आपने एक साथ परफॉर्म करना होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये जो चॉइस है पूरी कितने तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई कि दो ऑप्शन है बॉडी स्टाइल के, चार ऑप्शन है कलर के, दो ऑप्शन है गियर के हिसाब से, मल्टीप्लाई कर दो ये बन जाएगा 16। इसका मतलब आपके पास 16 ऑप्शन है, 16 तरीके से आप गाड़ी अपनी बाय कर सकते हो। मैं टी डायग्राम बनाता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सेडान ले लिया बॉडी के हिसाब से, सेडान में आपने कौन सा कलर लिया, आप ब्लैक भी ले सकते हो, आप रेड भी ले सकते हो, आप व्हाइट भी ले सकते हो, आप मरून भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सेडान स्टाइल लिया और उसके साथ आपने रेड कलर में ली और गियर के हिसाब से आपने ऑटोमेटिक ले लिया, अब ये कंप्लीट आपकी गाड़ी तैयार होगी, सेडान रेड कलर ऑटोमेटिक। या दूसरा ऑप्शन क्या है, सेडान रेड कलर मैनुअल, दो ऑप्शन आप मैंने बता दिए आपको। अब आपने सेडान ली ब्लैक कलर में ली और ऑटोमेटिक ली, इसी तरीके से मैनुअल ली, चार ऑप्शन ये हो गए टोटल मिला के। इसी तरह आपने सेडान ली व्हाइट में ली ऑटोमेटिक या मैनुअल, दो मजीद ऑप्शन ये हो गए, छह हो गए टोटल। इसी तरह सेडान मैरून कलर ऑटोमेटिक या मैनुअल। तो अगर आप ऑब्जर्व करो आपके पास यहां पे 8 ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने हैचबैक लिया तो अगेन बच्चों यही कॉन्सेप्ट होगा, मैं एरो बना देता हूं लिख नहीं रहा कि फॉर एग्जांपल चार कलर, हर कलर में ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल। मैं चलो कंप्लीट भी करता हूं, रेड ब्लू सॉरी ब्लैक था व्हाइट मरून ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल और ऑटोमेटिक मैनुअल, तो 8 ऑप्शन ये है। तो टोटल आपके पास कितने ऑप्शन बन गए, 16 जो मैंने यहां पे लिखे थे, मैंने आपको टी डायग्राम करके दिखा दिया कि 16 का मतलब क्या है, ठीक है। ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं कि भाई जब आपने पहला इवेंट परफॉर्म किया और अब आप दूसरा इवेंट परफॉर्म करने लगे हो तो दूसरे इवेंट पर पहले इवेंट का कोई असर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अपनी पसंद से बॉडी स्टाइल चूज किया, अपनी पसंद से रंग चूज किया, कोई पहले इवेंट ने आपको रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई थी ना, पसंद से आपने किया, इसी तरह आपने पसंद से ऑटोमेटिक चूज किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। दूसरा इवेंट डिपेंड पहले पे नहीं कर रहा, दूसरा इवेंट इंडिपेंडेंट है, पहला इंडिपेंडेंट है, तीसरा इंडिपेंडेंट है। अब सवाल ये डिपेंडेंट इवेंट फिर क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट ये होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दूसरा इवेंट जब आप परफॉर्म कर रहे हो वो डिपेंड कर रहा है पहले इवेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि आप अगर सेडान चूज कर रहे हो तो उसमें आप वाइट नहीं ले सकते, क्या मैंने बात बोली कि सेडान अगर आप बॉडी स्टाइल चूज कर रहे हो तो फिर वाइट कलर नहीं आप ले सकते। अब ये डिपेंडेंट केस है, क्यों, दूसरा इवेंट डिपेंड करेगा पहले इवेंट के ऊपर, अगर पहला इवेंट सेडान है तो दूसरे इवेंट में वाइट नहीं ले सकते, अगर पहला इवेंट हैचबैक है तो दूसरे में वाइट ले सकते हो। यह है डिपेंडेंट का सीन कि ये दूसरा इवेंट डिपेंड कर रहा है पहले के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप कहते हो डिपेंडेंट इवेंट्स। दोबारा बता देता हूं क्या बात मैंने बोली है कि दूसरा इवेंट जो है पहले पे डिपेंड कर रहा है, अगर पहला आपने सेडान चूज किया है तो दूसरे में आप वाइट चूज नहीं कर सकते, तो एक डिपेंड कर रहा है सिंपल सी बात है, अगर आपने हैचबैक किया तो आप वाइट ले सकते हो। तो ये जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है अब मैंने इन इवेंट्स को क्या कर दिया, डिपेंडेंट कर दिया, ठीक है। तो डिपेंडेंट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट्स अगर हो उनकी प्रोबेबिलिटी को आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हो, जो आपके बुक का टॉपिक नहीं है, आइडिया में दे रहा हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को कहते हैं। तो जैसे इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला है ना, डिपेंडेंट का ऐसा कोई नहीं है, आपको ये ट्री डायग्राम बना के करना पड़ता है या कोई होगा तो शायद मुश्किल होगा, मेरे जहन में नहीं है अभी कोई। तो आप मैनुअली किस तरीके से निकालोगे कि आपने देखा कि सेडान में आप ब्लैक चूज नहीं कर सकते तो आप क्या करो, ये वाला काट दो, अगर सेडान में ब्लैक नहीं ले सकते तो ये दो ऑप्शन भी कट जाएंगे,
क्योंकि दूसरा इवेंट में आप ब्लैक ले ही नहीं सकते, तो अगर आप ब्लैक ही ले सकते हैं तो बाकी दो पॉसिबिलिटी तो वैसे ही हट जाएंगे। तो आप होगा क्या, सेम आपकी ट्री डायग्राम बनेगी, बस ब्लैक जो है वो सेडान के अंदर आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो अब कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, अब 14 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इसको आप कहते हो डिपेंडेंट इवेंट। तो अगर आपके इवेंट इंडिपेंडेंट है तब ये फॉर्मूला होगा कि आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिपेंडेंट है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते।